गुड आफ्टरनून ऑल योर स्टूडेंट्स, टुडे यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द मनी एंड क्रेडिट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है उसका ऊपर ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है। देखो, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिविटी को लेके चैप्टर में डिस्कस किया गया है। एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, आज का जो वर्ल्ड है वहाँ पर कंज्यूमर का जो नेचर है, सम ऑफ हैव वाइड चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर आस, कुछ पॉपुलेशन के पास खुद का मतलब परसेप्शन का लिए, खुद का परसेप्शन का बेसिस में खुद का सिलेक्शन करने का लिए चॉइस में गुड्स हैं और मेनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। जैसे कि गुड्स का वेरिएशन देखा जाता है, सेम डायरेक्शन में सर्विसेज का जो क्लासेस है वो देखा जाता है। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमरा, जिसका लेटेस्ट मॉडल जो है किसका लेटेस्ट मॉडल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का ये मेन लास्ट मॉडल है डिजिटल कैमरा, जहाँ पर इमेजरी जो है उसको और भी ज़्यादा बेटर वे में प्रेजेंटेशन किया जाता है। मोबाइल फोन एंड टेलीविजन मेड बाय द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर रीच, हमारे पास क्या होता है बहुत सारे मैन्युफैक्चर एलिमेंट्स, जैसे कि डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन, ये जब है ये इसका और भी ज़्यादा मॉडिफाइड होके मार्केट में अभी अवेलेबल मिल रहा है। एवरी सीजन्स, हर सीज़न में न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन द इंडियन रोड्स, हर एक सीज़न में ऑटोमोबाइल्स मींस ऑटोमोबाइल्स जो है एक इंडस्ट्रीज है जो कि कार बनाता है, कार जो है मेनी टाइप्स ऑफ कार का क्या होता है वो मेकिंग करता है, तो ऑटोमोबाइल्स अलग अलग सीजन्स में रोड में बहुत सारा नया नया डिज़ाइन का ऑटोमोबाइल्स का अवेलेबिलिटी देखा जा रहा है। गन आर द डेज ऑफ द एम्बेसडर्स आर फियाट विद द ओनली ऑफ द इंडियन रोड्स, इंडिया का जो रोड्स है वहाँ पर अलग अलग परसेप्शन का ट्रेवल्स जो है उसका अवेलेबिलिटी देखा जा रहा है। टूडेज इंडियाज आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल द टॉप कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, अभी का जो इंडिया है एट प्रेजेंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया जिसको बोला जाता है, मॉडर्न इंडिया में क्या देखा जा रहा है, जो कार का रिप्रेजेंटेशन, जो मॉड्यूलर्स मैनी टाइप्स ऑफ जो डिजिटाइजेशन, मतलब पहले जिस ओल्ड जनरेशन का कार था अभी का टाइमिंग में वो उसका चेंजेस देखा गया। टुडेज इंडिया आर बाइंग द कार्स प्रोड्यूसर्स बाय नियर बाय ऑल द टॉप कंपोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बेसिक्स में इंडिया एक एक्चुअली जो कंपटीशन है वर्ल्ड का कंपटीशन में इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। ए सिमिलर एक्सप्लोइटेशन ब्रांड्स कैन बी सीन मेनी अदर गुड्स, अलग अलग गुड्स का बहुत सारा ब्रांड जो है कंपनीज जो है उसका अवेलेबिलिटी देखा जा रहा है। फॉर सर्ट टेलीविजन प्रोडक्ट्स द फ्रूट जूस, जो जितना सारा अलग अलग ग्रोसरीज है, गुड्स है, एलिमेंट्स है, उसका वेरिएशन देखा जा रहा है, उसका मेनी टाइप्स का अलग अलग ब्रांड का अवेलेबिलिटी मार्केट में मिल रहा है। इन ए मैटर ऑफ ईयर आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म, हमारा जो मार्केट है इस कारण से मार्केट जो है वो अलग अलग जगह में, बहुत सारे जगह में उसका ग्रोथ हुआ है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशंस है इसका बेसिस में पॉपुलेशन को, कॉमन पीपल को बहुत सारी जानकारी मिल रहा है, जानना जरूरी है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर द ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेस, इस चेंज सोसाइटी का चेंज होने का पीछे, मार्केट का डेवलपमेंट होने का पीछे, ग्लोबलाइजेशन होने का पीछे क्या क्या फैक्टर्स है जिस कारण से इतना चेंजेस हुआ है और हो रहा है, एंड हाउ आर द चेंजेस अफेक्टिंग द लिव्स ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन कैसे उसका जो लाइफ स्टाइल है, डेली लाइफ है, उसका परसेप्शन का भी चेंजेस कर रहा है मार्केट का चेंजेस का साथ साथ। क्लियर? देन उसके बाद
प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है उसका जगह बताया गया, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, कंट्रीज़ में प्रोडक्शन किस तरह से डेवलप हो रहा है, किस तरह से उसका जो कौन कौन सा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है एटसेट्रा। देखो अनटिल द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मिडिल टाइमिंग पीरियड में प्रोडक्शंस वर लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज, कंट्रीज़ में प्रोडक्शन जो है वो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और भी ज़्यादा उसका इंक्रीमेंटेशन देखा जा रहा है। व्हाट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दिस कंट्रीज वेयर रॉ मटेरियल, कंट्रीज का जो बाउंड्रीज है वहाँ पर क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से बाउंडिंग किया जा रहा है उसको, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा पदार्थ जिसको बोला जाता है, वो कंट्रीज़ का बाउंड्रीज का अंदर अलग अलग जगह में उसका उत्तोलन किया जा रहा है। फूड सपोर्ट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश जो इतना सारा प्रोडक्ट्स है उसको, जैसे कि आयरन का किसी भी गुड्स है वो यूजेबल नहीं हुआ उसका एक टाइमिंग के बाद उसको फिर से रिसाइकलिंग जो प्रोसेस है, प्रोसेस का बेसिक्स में उसको फिर से यूज़ किया करने का जैसा बनाया जा रहा है। ट्रेडर्स वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज, ट्रेडर्स जो है वही एक मेन चैनल्स है जिसका जिसका बेसिक्स में क्या हो रहा है, कंट्रीज़ का एक जगह से और एक जगह बिजनेस जो है मार्केट जो है उसका डेवलपमेंट फॉलो किया जा रहा है। दिस वॉज बिफोर द लार्ज कंपनीज कॉल्ड द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, इसमें से जो कंपनीज का हाथ सबसे ज़्यादा है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपनीज है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, फुल फॉर्म जिसका आ सकता है MNC। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNC, द मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। एमआर ऑन द सीन्स, ए MNC मीन्स मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन इज ए कंपनी दैट ओन द कंट्रोल्स प्रोडक्शंस इन मोर देन द नेशंस, जिसका अंडर क्या हो रहा है, एक नेशन में एक स्टेट में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है कौन, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का थ्रू उसको कंट्रोल किया जा रहा है, नहीं तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और भी ज़्यादा यूज़ का ज़्यादा बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसका यूजेस नहीं रहेगा, इस कारण से उसको उसका जो टोटल मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी इसका अंडर है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का अंडर है ए मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, सेट अप द ऑफिशियल्स एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग रीजियंस वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेस, जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है उसका अंडर क्या है, अलग अलग रिसोर्स का परसेप्शन में लेबर जो है चीप लेबर जो है इंडस्ट्रीज जो है पूरा प्रोसेस के उसको मैनेज किया जा रहा है। दिस इज डन सो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लो एंड द मल्टी नेशनल कंपनीज कॉरपोरेशन कैन बी अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन में जो पॉपुलेशन काम कर रहा है लेबरर जो है उसको बेटर से बेटर प्रॉफिट्स प्रॉफिटेबिलिटी दिया जा रहा है। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शंस बाय MNC, किस तरह से मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है उसका जगह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है एक कंप्यूटर जो डायग्राम है इसका थ्रू, जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का जो वर्क है वर्क किस तरह से ग्रो हो रहा है डेवलप हो रहा है उसका वेरिएबिलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इन द एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर देन द इम्पोर्टेंट, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो जितना सारा प्रोडक्ट है नेसेसिटी आवर नेसेसिटीज प्रोडक्ट जो है उसका क्या किया जा रहा है, उसको हर प्रोडक्ट को सेलिंग नहीं किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, उसका जो क्वालिटी क्वांटिटी है उसका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंसिटी बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, गुड्स और सर्विसेज जो है वो ग्लोबली उसका प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्स वे, प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स वे में उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ग्लोब का एक पार्ट में उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। इन द अबव एग्जाम्पल, इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि चाइना प्रोवाइडेड द एडवांटेज ऑफ बींग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, चाइना जो है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है उसका बहुत ज़्यादा
प्रोडक्शन किया जा रहा है मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजियल फॉर द क्लोजेंस अप टू द मार्केट यूएस सब यूरोप। मैक्सिको जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पर इसका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा लार्ज किया जा रहा है। इंडिया हैज़ हाईली स्किल, अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामेशन जो है इंडिया में वो भी डेवलप, उसका भी डेवलपमेंट हुआ है। इस कारण से इंडिया का प्रोडक्टिविटी जो है टोटल प्रोडक्शन जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मॉडर्नाइजेशन किया गया है। इट ऑल्सो हैज़ द एजुकेशन इंग्लिश स्पीकिंग सीओ हु कैन प्रोवाइड द कस्टमर केयर सर्विस, जो पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी में जिसका और भी ज़्यादा बेटर है उसको कस्टमर केयर सर्विस में जॉब दिया जा रहा है। एंड ऑल द प्रोबेबिलिटी कैन द 50-60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसी एडवांटेजेस फॉर स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन अक्रॉस ब्रॉडली वेयर द मल्टीनेशनल कैन बी टोटली इमेन्यूज। प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में और भी ज़्यादा उसका यूजेस किया जा रहा है। देखो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, किस तरह से अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंटरकनेक्टिविटी जो है उसका जगह बताया गया है यहाँ पर। इन जनरल मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन सेट अप द प्रोडक्शन वेयर द क्लोज टू द मार्केट वेयर देयर स्किल ऑफ द अनस्किल्ड लेबर आर अवेलेबल फॉर द लो कॉस्ट। मार्केट में बहुत ही कम कॉस्ट के साथ साथ स्किल लेबर और अनस्किल लेबर को रखा गया है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का बेसिक्स में, जिसका वर्किंग परसेप्शन बेटर है। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोडक्शन फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन का लिए जो जो अवेलेबिलिटी अवेलेबल कंडीशन है उसका प्रोडक्टिविटी रखा गया है। लुक्स फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज लुक एट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी फॉलो किया गया है। सब मतलब नेसेसिटीज एलिमेंट्स को फॉलो करके गुड्स का प्रोडक्टिविटी जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है ऑल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में। At the time, the multinational corporation set up the production joining with some of the local comparisons of the countries. Countries में at present अभी का टाइमिंग में क्या किया जा रहा है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है उसका प्रोडक्शन जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा रहा है, और किस तरह से उसका जो स्किल है स्किल को डेवलप किया जाएगा उसका बेसिस में वर्किंग किया जा रहा है। द बेनिफिट्स ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ सच एज द जॉइंट प्रोडक्शन टू फोल्ड, जितना सारा लोकल कंपनीज है उसका जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्शन का टू क्राइटेरिया का बेसिक्स में उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। फर्स्ट द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जितना सारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वहाँ पर मनी को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है प्रोडक्शन का बेसिक्स में, लाइक बाइंग द न्यू मशीन्स फॉर द फ्रेशर प्रोडक्शन फास्टर प्रोडक्शन, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए उसका बेसिस में न्यू न्यू मशीनरीज का आविष्कार किया गया है। सेकेंड, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन माइट बाइंग द टर्म्स ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, न्यू मशीन का यूजेस किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी यूजेस किया जा रहा है प्रोडक्शन का लिए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का प्रोडक्टिविटी किया जा रहा है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट टू बाय द लोकल कंपनीज एंड देन द एक्सपेंड द प्रोडक्शन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है जितना सारा लोकल कंपनीज है उसको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का लिए हेल्प कर रहा है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विज ह्यूज वेल्थ, जिसका पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है मीन्स रिसोर्सेस है, कैन क्वालिटी इजिली फॉर टू डू टेक द एग्जाम्पल्स, इस तरह से इजिली एक फॉर एग्जाम्पल मानो जो शर्ट है उसका किस तरह से क्वालिटी और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, कॉटन का प्रोडक्शन जो है और भी ज़्यादा किया जाए, इसका बेसिस में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कंपनीज का एक इम्पोर्टेंस भी देखा गया है। इन फैक्ट मेनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैव वेल्थ एक्सेसिंग द एंटायर बजट फॉर द डेवलपमेंट developing countries government with such the wealth in images of the power of the insurance, क्या कर रहा है जो जितना सारा अलग अलग स्मॉल स्केल का मल्टीनेशनल कंपनीज है वो वेल्थ वेल्थ मीन्स रिसोर्स दे रहा है, एक्सेसिंग द एंटायर बजट
डेवलपमेंट कंट्रीज, कंट्रीज का अलग अलग कंपनीज को रिसोर्स दे रहा है ताकि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामेशन का डेवलप्ड हो सके और जितना सारा कंपनी से उसका और भी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया जा सके विद द साइज द वेल्थ इमेजेस पावर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ देम। और भी ज़्यादा लोग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो कंट्रीज का विलेज एरिया में जितना सारा पॉपुलेशन है। तो ये आज का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट था, नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी डिस्कस करूँगा।